तो कैसे हो यार मित्रों, मित्राणी को शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कैसे हो यार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो कि स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। जी हाँ, माँ हिंगलाज देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। शक्ति की आराध्य देवी माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नानी की दरगाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दूसरा हिंगलाज शक्तिपीठ रायसेन जिले के बाड़ी में स्थित है, जिसका अभी हम सफ़र कर रहे हैं। केवंदित है कि भक्त यहां मां को ज्योति रूप में लाए थे, लेकिन बाद में वो स्वयं प्रकट हो गए। चलिए बताते हैं कि क्या है शक्तिपीठों की पौराणिक कथा और कैसे बने 52 शक्तिपीठ। एक लंबे सफर के बाद हमारे बालों की जो स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं, हमने 70 और 20 90 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। यानी है कि यहाँ पर जो है एक संस्कृत पाठशाला भी है, जहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ब्राह्मणों को कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे, तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता के मृत शरीर को 52 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो यह है बावड़ी और कुएं में जो अंतर होता है वो हम बताते हैं। कुएं में जो है आप बाल्टी से पानी निकालते हैं और बावड़ी में जो है आप अंदर तक जा सकते हैं, यानी कि उसमें जो है सीढ़ियों की सुविधा होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना रास्ता, ये यहाँ से पहुँचता है वहाँ अंदर। तो ये है बावड़ी, जहाँ से आप डायरेक्ट नीचे पहुँच सकते हैं और बाकायदा वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं, तो उसका आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पर दर्शनों के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर एक अलग नज़ारा होता है माता के दरबार का, क्योंकि वो दिन विशेष होते हैं। तो आने वाली नवरात्रि गुरुवार से। बाड़ी हिंगलाज देवी के मंदिर के बाद हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं बारनाथ डैम के लिए। हमारी सवारी हो चुकी है तैयार। एक वाहन जो है हमारा वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो देखिए। और एक भैया ये यहाँ पर हैं खड़े हुए। प्रसाद इन्होंने ले लिया छींद वाले दादाजी के यहाँ का। यहाँ का तो नहीं है हालांकि।